किया गया है। हाल में हमने देखा था कितने सुसाइड्स भी हो रहे थे और लगातार ये आंकड़े बढ़े भी हैं, क्या ये कारण हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यही है कि सुसाइड के जो मामले इस बीच में हमने देखे कि बहुत ज्यादा तादाद में हो रहे थे और अलग अलग जगहों से खबरें आ रही थी, और इसमें ये कहा गया है सीधे तौर पे एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उसने ये कहा है कि इससे दबाव वाली स्थिति पैदा होती है और बच्चों के मन में, और सुसाइड की बात भी इसमें कही गई है कि जिस तरीके से सुसाइड की घटना बढ़ी और कई परिवारों के जो प्रीसियस लाइफ हैं वो चले जाते हैं। साथ में इसमें ये भी कहा गया है कि फायर इंसिडेंसेस और बाकी चीजें भी देखी गई है कोचिंग संस्थानों में, तो एक गाइडलाइन फॉर रेगुलेशन कोचिंग सेंटर की जरूरत थी और इसी वजह से ये गाइडलाइन जो है वो बनाई गई है। बहुत डिटेल में ये चीजें कही गई है जिसमें ये देखा गया कि बहुत सारी चीजों को जोड़ के ये गाइडलाइन जो है तैयार की गई है। ये कॉपी तमाम जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है स्टेट्स के, यूटीज के, उनको भेजा गया है, होम एमएसए जो है उसको भी इसमें मार्क किया गया है, और साथ में इस गाइडलाइन को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जो है करीब 14 पन्नों की रिपोर्ट में ये चीजें दी गई है। लेकिन जो सबसे अहम बात है जो आपने भी कही कि सुसाइड की जो घटना बढ़ रही थी उसके बाद इसकी जरूरत पड़ी और लगा